हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे सारे हो तुम? बढ़िया हो गए? मैं भी एकदम बढ़िया। हाँ, फाइनली व्लॉगिंग फ्रॉम दिल्ली। बालकनी उल्कनी तो याद होगी ना, कभी बिहार सीरीज में भूल गए हो कि नहीं भाई, हमें तो वही नज़ारा चाहिए, वही एकदम सा खेत बीत वाला, एकदम फुल क्लोज टू नेचर वाइब्स। वो बंद अभी कुछ टाइम के लिए ना, काफ़ी टाइम के लिए अभी बंद। लाइट अच्छा आ रहा है ऐसा, मतलब ना गुड फीलिंग आ रहा है लाइट का। तो यार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और लास्ट जो आपने मेरे को व्लॉग वगैरह में देखा होगा, वो यही देखा होगा कि मेरे बाल थोड़े ऐसा गांव टाइप्स में थे। हमारे भाई ने आगे थोड़ा सा शेड वेड करवा लिया, तो थोड़ा बेटर लुक आ रहा है ना या ऐसा। कोई नहीं, हेयर स्टाइल भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है, बट ठीक है। सेम राघव ने भी करवा लिया है, मेरे नक्शा कदम पर चलता है, अच्छा लग रहा है इसका। गाइस वेलकम बैक टू दिल्ली एंड बिहार सीरीज़ एंड हो गई। जिसने नहीं देखी, बिहार सीरीज़ के कुछ पार्ट छूट गए ऐसा कुछ, 12 एपिसोड है टोटल, जाके देखो, बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को और बहुत ही कुछ अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो जिन्होंने अब तक बिहार सीरीज़ नहीं देखी, उसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हो। और जो मेरी उंगली की अपडेट है वो ये है कि इस पर लगी हुई है फिंगर्स मॉलेट स्प्लिंट। इसको नहीं पता हो क्या होता है, वो ये होता है, ये मतलब ऐसे टेढ़ा करके रखेगा क्योंकि मेरी उंगली ऐसे ऐसे बेंड हो गई है ऐसे, तो उसको उल्टी तरफ रखेगा क्योंकि उसके ऊपर की लिगामेंट टूट के पीछे हो गई है, उसको वापस जगह पे आ जाएगा। वो हो सकता है क्योंकि 3 हफ्ते हो चुके हैं, 3 हफ्ते पे बहुत मुश्किल से ठीक होता है, बट लेट्स सी। ट्राई तो करते रहना चाहिए, ट्राई करना बहुत ज़रूरी अनिवार्य आवश्यक है। तक तो फिलहाल यही अपडेट। इसको पता चल गया क्या है ब्रेड के ऊपर? मलाई और चीनी। हाँ तो ज़रूरत है, तू कमज़ोर हो गई है ना पहले से। गुड फैट बोल के ना सिर्फ फैट कंज्यूम करती है ये। फिलहाल दिल्ली में गर्मी बहुत है यार, वहाँ पे भी मतलब हवा हवा नहीं चलती थी, पर ठंडा लगता था यार। यहाँ पे बहुत गर्मी, एकदम चिपाहट वाली गर्मी है ना, बहुत मतलब मूड ख़राब कर देता है। गाइस जस्ट तुम्हारा भाई अभी नहा के निकला है, और कमेंट सेक्शन में बताना यार ये हेयर कट उठ कर रहा है कि नहीं। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो ये थोड़े और बढ़ने दूंगा मैं, और फिर ऐसे शॉर्ट टाइप में थोड़ा हेयर स्टाइल रखूँगा। ठीक है, ऐसे ठीक ही लग रहा है यार, मेरे को लगता था कि मैं शॉर्ट हेयर में मज़ेदार नहीं लगूँगा, बट लग रहा हूँ। शाम है ना गाइस, यहाँ पे शमियाँ नहीं रही आजकल, पता नहीं क्यों, मज़ेदार शाम नहीं होती इधर। हवा हवा चल रही है पर हवा में वो ठंडक नहीं है। वो ये तो वही फूल है ना जो रंजीत भाई जी के घर के बगल में लगा रहता है बहुत सारा, फुलाल वाला। देखो गांव जाने का यही होता है कि आप चीज़ें पहचाने लगते हैं, जैसे सामने वो पेड़ है, वो अमरूद का पेड़ है, उससे पीले पीले अमरूद निकल रहे हैं, पक गए बहुत सारे, तो कोई खाता ही नहीं है तोड़ के, भरोसा नहीं है कि क्या या पता नहीं है, डोंट नो। मज़ेदार हुआ पड़ा यार, थोड़ा चाय वाय हो जाए। माँ 1 कप टी प्लीज। ओके गुड। ये जब से हम आए तब से बड़ा खुश खुश रहने लग गया है, ये हमको याद कर रहा था जब हम गाँव में थी, है ना मोटू, है ना? जीप चिढ़ा दिया आप लोगों को। क्या कुछ नहीं हो रहा, जैसे ओए पेट दुख रहा है, रुक जा, ओ रुक जा भाई, रुक जा। ऊपर से बाल भी छोटे-छोटे। आप लोगों को कुछ दिखाऊं? करियो गर्दन टेढ़ा करके इधर। बाहर की तरफ अंदर कर रहा बहुत ना। अरे भाई क्या हो जाता है। कुहू कॉलिंग। हेलो दादा, हंसी आ रही है तो थोड़ा रात तो रात गायब कर दूंगा, पता नहीं चलेगा। ओ अब बिस्तर जा रहा है, जा रहा है, बस तकिया रख ले। ये मगरमच्छ का बच्चा चाहिए किसी को, इसकी चमड़ी का ढोल बना लेना, ले जाओ। पता नहीं गाइस इतने जोर से शक्ल देख के हंसी क्यों आ रही है, आपको भी आ रही हो तो बताना जरूरी है। हम ही लौंडे होते हैं, ऐसे भी फुचुल की बात पर हंस लेते हैं, ऐसा बाय नेचर होता है हमारा थोड़ा। आज है 20 जुलाई, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता। नाश्ता की तो सुबह सुबह ना, ये नाश्ता की ओ स्पाइडरमैन। मेरे घर में सब अजीब हो गए हैं क्या? हुआ क्या?
सबका तेरी तरफ फीचर थोड़ी भी बाउंस बैक होके ऊपर आ जाएंगे। काश ऐसा होता यार, यूं टप्पी मार के फिर ऐसे होते। तो पूरे दिन यही करती ना। हाँ तो गाइस, जब मैंने वाला शॉर्ट हेयर कट करवाया था ना, तो उसी टाइम पे रिसेंटली मैंने किसी का इंस्टाग्राम चेक मारा था, अब दिखा था मुझे, तो उसमें ना उसे कान की बालियाँ नहीं होती वो उसने पहनी हुई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। वैसे मैं भी ट्राई करके देखता हूँ शॉर्ट हेयर पे, क्या पता मुझे भी अच्छा लगे। मुझे वैसे भी बालियाँ लेनी थी, तुम्हारे भाई ने करी थी ऑर्डर, वो आ गई है। लेट्स सी कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है, चेकआउट करते हैं। तो गाइस जो हमने ईयर रिंग मंगाया था वो आ गया है, तुम्हारे भाई ने कर लिया ट्राई। ये है गोल्ड में, सही लग रहा है वैसे तो। आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि कैसा लग रहा है। और जो एक मेरा पुराना सिंगल स्टड था गोल बड़ा वाला, वो इस ये राघव पहन रहा है अभी फिलहाल, इस पर ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे फेस पे इतना बड़ा लगता नहीं था जितना बड़ा इसके फेस पे लग रहा है। बट हाँ, अब इसके भी अच्छा लग रहा है, तो एक काम करेंगे सेम ऐसा लेके जाएंगे, हमारे सुनार को बोल देंगे कि ऐसा दो और बना दो, तो जो दो वाला मैं पहनूंगा, सिंगल वाला राघव पहन लेगा ऐसा। तो या गाइस, और फिलहाल तो अपडेट ये है कि ऐसा ठीक ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गुड लग रहा है। ऐसा एक सिल्वर में भी है, एक ब्लैक में भी है, तो आउटफिट के हिसाब से ऐसा थोड़ा चेंज वेंज करके पहनते रहेंगे अपना आगे। सो ऑन है दी, हाउ मी लुकिंग गुड? पहले भी यही पहना था, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कान का ही देखा था ना, कान का ही देखा था ना बहन तूने? कान नहीं देखी। अरे तो वही तो मैं जोक करता है मेरे साथ। तो यार गाइस फिलहाल तो अपडेट ये है, आज है सैटरडे और सैटरडे थोड़ा फ्री डे होता है, तो मैं राघव जा रहे हैं शाम के टाइम जिम। कंपैरेटिवली चलते अपना जिम वर्कआउट वर्कआउट मारते हैं, इसको मैं यहीं खोल के चले जाता हूँ। कभी जिम में लोग देखे बोले टूटी हुई उंगली लेके वर्कआउट कर रहा, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाए मेरे से, तो मैं ये भी नहीं चाहता ना, फिर उंगली तोड़ के वो भी एक्सरसाइज करेंगे। राघव बता मैं कौन हूँ? भाई नो डाउट नेजी दवा इज़ अ गुड पर्सन, बहुत ऐसा थोड़ा होता है ना प्योर प्योर सोल, थोड़ा बावले लोग होते हैं ना, बावले दिल के बड़े साफ होते हैं। बावला नहीं, उसको किसी के ना वो है ज़्यादा प्रेम ना किसी के लिए। हाँ लाइफ में सॉर्टेड है, बहुत थोड़ा ऐसा उसको प्योर टाइप का बंदा है ना, उसको तो दो बात बोल भी देगा ना, तो कहेगा राहुल भाई ये तुम गलत बात बोले, मैं ऐसा काम करता हूँ नहीं। जैसे वो अरमान बोलता उसको काम नहीं करता, कहता अरमान भाई क्या बोल रहा हूँ मैं ऐसा काम करता हूँ। वो अलग बात है कि मैं थोड़ा ऐसा लेजी टाइप हूँ, पर मैं काम, हाँ थोड़ा इनोसेंस है अगले बंदे में, बट ठीक है। मैं वैसे मजाक नहीं उड़ा रहा, बट अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि भाई इनोसेंस भी आजकल के टाइम पे मिलना ऐसा इतना खुद रेयर है भाई, और भाई के थोड़ा लाइफ में भी ऐसे ट्रॉमा रहे हैं। खैर कोई नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा, बट जस्ट बोल रहा हूँ कि मज़े लेने में मज़ा आता, तो वही वाली बात। गाइस मंजर कुछ ऐसा है, आज का हालत ख़राब हो रखी है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद आज सावन स्टार्ट हो गए हैं, तो उस सब का आपको बधाइयाँ। सावन की पहली बारिश हो रही है, आज बालकनी में बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं है, अंधेरे में दिख रहा है आपको वो जो सेक्सी सी टांगे हैं और राघव की है, और बाकी के सारे प्राणी इधर ही आपको मिलेंगे, प्राणी नंबर 1, 2, 3 और मम्मी चौथा रह गया। हाँ तो 1, 2, 3 और मम्मी बोलेंगे। अच्छा तुझे दो बार ही काउंट करूँ क्या मैं? 1, 2, 3, 4 और मम्मी जी ना। और गैस आज सा पहला सोमवारी है ना, तो आज जितनी माँ बहन है सुहागन औरत है वो पैर में अलता लगाते हैं, हाथ में मेहंदी लगाते हैं, हरी चूड़ी पहनते हैं, मैं भी पहन रही हूँ गैस देखो मेरे हाथों में नाना चूड़ियाँ। कुछ बोलने नहीं दे रहे गैस को, आप लोग भी हरे भरे रहे सुहागन रहे हमेशा। राधा है 10 रुपये में अलता लगाती है पैर में, 10 रुपये नहीं 15 रुपये मैडम दाम बढ़ गए। और आज हमारे घर में राघव ने व्रत रखा जिसका पेट खराब है, और दूसरा रूबी दी ने रखा है जिसने ब्रेड खा लिया है हल्का। रूबी ने व्रत में ब्रेड दूध खाई है, तो ब्रेड में मस्त मलाई वलाई लगा के खाई है, एक कटोरी दही खाई है और ये व्रत कर रही है। इसका इलाज करा लेना चाहिए था गांव में, कोई ऊपरी निचली हवा लगी है इसको। ये जो है ना प्राणी, इसको बोल दही रखा है किचन में खा लेगा। राघव कर्ड इन किचन गो ईट ओके यू। इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, और देखो 5-5 का सिक्का है उसमें, इसको शर्म आ रहा है देखो।
राघव गुप्ता बर्गर ले लियो। इसको पता है अभी जा रहा था मंदिर, ठीक है, तो अब इसको सिक्का ले जाने में दिक्कत हो रही है कि मैं सिक्का ले जाके नहीं लूँगा। मम्मी ने इसको 21 रुपए के सिक्के दिए, 4-5 के और 1-1 रुपए। तो इसको ये दिक्कत हो रही है कि मैं सिक्का लेके नहीं जाऊँगा दुकान पे, सिक्के से मैं कुछ नहीं कर। इसको क्या मतलब, किसी ने मेरे को लग रहा है ना किसी ने उसको मारा होगा, उस बंदे को सिक्का चाहिए नहीं होगा, ज़बरदस्ती सिक्का चिपका रहा होगा, उसने उसको कूट दिया होगा कि नोट निकाल, नोट निकाल बाहर जल्दी। मम्मी तो माशाल्लाह ही सब रखी है उसको देने के लिए। इसको खर्चना मत, इसको ना संभाल के रखो, इसी को ही देना, जहाँ पैसे मांगे ना यही देना। और जब तक इसको ना सिक्का नहीं, तो जब तक इसका वो ना हो जाए। गाँव में भी इतना है, एक पॉट में तो क्या कह रही है, हे भगवान यहाँ भी सिक्के भर कर रखी है। तो गाँव में तो बहुत था, इतना बड़ा पर्स में सिक्के, किसी को मार दो तो सर फट जाए उसका। ढोल बजा रहा था ना वो सर खेलते समय, वो बोला कि मैडम एक 501 रुपये रखो, इस पर ढोल रखो सगुन होता है। मैं समझ गई सगुन कैसे होता है, मैं गई और ये सिक्का डाल का 21 रुपये लगा रख दिया ढोलक पर, ढोलक ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे सिक्का के कैसे छिए है देख। गांव में लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, कुछ भी होता है ना, जैसे कुछ मतलब कुछ छठ वठ के टाइम पे कुछ हो रहा है या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम टाइप हो रहा है गांव में, चंदा इकट्ठा करके जो करते हैं, हर गांव में होता है ये, जो गांव वाले बंदे उनको पता होगा कि चंदा लेने आते हैं अलग अलग चीज़ों का, दुर्गा पूजा का, सरस्वती पूजा का और भी चीज़ों का। गाँव में ऐसे ऐसे लोग हैं 11-11 रुपये देते चंदा, 11 रुपये सोच रहे तुम, उससे भी कम कोई ऑप्शन होता ना वो लोग वो देते, कोई 11 देता है, कोई 201, कोई 101, 501 वाला तो कोई है ही नहीं। एक आध कोई होगा, जैसे हमारे एक मामा मुखिया हैं तो उनका देना बनता है, वो ज़्यादा अमाउंट देते हैं भाई, मुखिया है तो देंगे ही, ठीक है। अब उनके अलावा कोई गिने चुने बंदे हैं जो 100 तक दे देते हैं, 200 हो सके रेंज में दे देंगे। उसके बाद जब हमारे आएंगे ना सीधा 1100, 2100, 5001, पहले से पर्ची फाड़ के लाते हैं कि 5001 की पर्ची फाड़ दी लाओ। उनको पता नहीं किसने बता दिया हमारे घर में नोट छापने की मशीन रखी हुई है, आगे फट देनी, बोलते कि इतना ही चाहिए, और ना दोनों जितना वो लिख के लाते हैं तो गुस्सा होकर चले जाएंगे, फिर आएंगे थोड़ी देर बाद पर्ची कम करके उसको कर देंगे 2100 का। फिर उसमें मम्मी नहीं मानते, मम्मी कहाँ माने, 3 चक्कर काटा तो 1100 रुपये निकले, 1100 भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को। तो ऐसे इंसिडेंट सब होता है, मतलब जो सबसे पहला बड़ा चंदा देते हैं वो मेरे जो मामा हैं जो मुखिया हैं वो देते हैं, उसके बाद अगर कोई दे तो दे वरना हमारा ही होता है। अब पता नहीं ज़बरदस्ती भाई, मतलब उतना ज़बरदस्ती से चंदा कोई दिल्ली में मांगे तो मारपीट हो जाए उसके साथ, दिल्ली पीसफुल है ना बहुत। अभी ऐसे नहा के निकला ना, मैं एक चीज़ रियलाइज हुई कि उंगली पहले से थोड़ी बेटर तो हो गई है, थोड़ी स्ट्रेट हो गई है कंपैरेटिवली, उतनी तो नहीं है जितनी ये स्ट्रेट है, बट ठीक है काम चलाने लायक है ये भी। बट अभी वो जो स्लिंट है वो हमें पहन के रखना है 3 हफ्ते तक, एक ही हफ्ता हुआ है अभी, 2 हफ्ते और बाकी, 3 से 4 हफ्ते पहन के रखना होता है। अब पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, मतलब ठीक है लग तो रहा है, पहले कुछ ज़्यादा ही था, मेरे को पता ही नहीं था कि मेरी, मेरे को लगा ऐसी हो जाता है खेलते कूदते लग जाती है, उसी टाइम में लगा होगा, बट यहाँ पर क्या होता है ना, मेरे फिंगर जॉइंट का लिगामेंट ही टूट गया था। ये देखो अगर आपको दिख रही हो ये इधर जो ये देखो ऊपर ऐसे कटोरी टाइप जो है थोड़ा पीछे आ गया, ये आगे होना चाहिए था, ऐसे इसी की वजह से उंगली टेढ़ी हो गई है, इसलिए स्प्लिंट लगा के रखना पड़ता है ताकि वो सड़क के वापस जगह पे आ जाए। बट मैं थोड़ा लेट हो गया गांव से आने में, गांव में मेरे को लग गया था 27 आ रहा हूँ, तो इसीलिए अगर मैं उसी टाइम पे स्प्लिंट वगैरह लगा लेता ना तो 1 हफ्ते में वापस फिक्स हो जाता, वो अपनी जगह पे आ जाता, बट क्या ना 3 हफ्ते में वो वहीं पे ग्रिप पकड़ लेता है, तो इसीलिए अभी भी धारा कार्य है, दुखता है बट ठीक है कर लेंगे ठीक, सबर का फल मीठा होता है। मन लग रहा है मम्मी दिल्ली में? नहीं गाँव जाना है, करा दो टिकट पर अकेले नहीं हाँ, तू लोग रहते हैं तभी अच्छा लगता है, अकेला अच्छा नहीं। हमें भी अच्छा लगता है जब हम लोग वहाँ रहते हैं, तो हमें ये लगता है कि हाँ घर बनाए तो हमारे बच्चे खुशी है, इसमें खेल रहा है कूद रहा है, मतलब यूज हो रहा है हमारे चीज़ें, तो हमें ये नहीं महसूस होता कि कितना पैसा लगा क्या लगा, बस अंदर से खुश होते हैं। मज़ा तो आता है इस गाँव में देखो, बहुत मज़ा आता है, भूख भी बहुत लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी खा, दाल चावल खा के खुश था मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ऊपर से बड़ा घर है ना, एक ना बाथरूम जाने के लिए भी आपको 100 स्टेप चलना पड़ता है, दिन में अगर 12 बार बाथरूम गए 1200 स्टेप ऐसे ही पूरे हो गए, मतलब तो फिटनेस भी बना रहता है। उठ के छत पर पहले टहलती, 12 बार बाथरूम क्यों जाओगे यार, और कोई चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, अगर दत्तवन करना चाहते हो दत्तवन तो नीम की खुद का कुआ से ही छत पे जाओ, नीम का पेड़ है एक टहनी थोड़ी करना चालू, दांत भी घिस रहे घूम भी रहे सुबह सुबह, मैं उठता नहीं था बट मेरे को पता है एक आध बार कभी उठा हूँ जीवन में सुबह 5 बजे,
नहीं इस बार मैं जल्दी सो जाता था, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे ऐसे। अगली बार कूलर भी सही चला ना? हाँ इस बार इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा था। 4 साल में तरक्की उन्नति किया है बिहार। ये देखो हमारे कैसे सिंदूर डाला जाता है यहाँ पे, होता है ना कि एस्थेटिक सा थोड़ा सा डाल दिया वो, नहीं अभी देखना। ये देखो लिटरली मांग भरते हैं, 7 नहीं 14 जन्मों का सिंदूर भर देते हैं एक ही बारी में। इतना मोटा सिंदूर लगाते हैं भाई, मेरे को तो देख के अजीब लगता है, इतना मोटा है। पता नहीं क्या परमानेंट स्टैंप लगाने के चक्कर में भाई। तो यार गाइस आज का दिन और शिफ्ट ख़त्म करके यहाँ राघव लगा रहा है बिस्तर, और यहाँ हमारा मोटू सेट से रख पे लेट गया है। अरे ये सोएगा अभी यहाँ पे जब तक एसी थोड़ा चिल्ड ना मारे, फिर एसी की ठंडी हवा इसको लगेगी, फिर ये उठ के इधर आ जाएगा। ऐसे ही घूम घूम के, बाहर भी ठंडा है पता नहीं, अंदर ही क्यों सोता है, कुछ ज़्यादा ही हमसे ज़्यादा स्नेह है इसका थोड़ा, इसीलिए। बाकी आज के ब्लॉग को करते हैं पे एंड, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नए हो तो मैंने सब्सक्राइब किया मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, टाटा, आई लव यू, स्टे सेफ, पीस आउट, बाय बाय।